क्लास दिस इज एट्थ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास एट्थ चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें आज हम आपको क्वेश्चन और आंसर करवाएंगे। कुछ शॉर्ट आंसर्स होंगे यानी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे और कुछ लॉन्ग होंगे, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देन आपको हम इसमें वर्कशीट देंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें जैसे MCQs हो सकता है एंड वन वर्ड एंड फिलअप्स, वो आपको खुद करने होंगे और इसके जो आंसर होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में सबमिट करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर फर्स्ट, व्हाई शुड ग्रेन बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज। ग्रेन स्टोर रखने से पहले उन्हें हम ड्राई क्यों कर लेना चाहिए, क्यों कर लेना चाहिए? इसका आंसर ये है कि अगर आप देखें तो जो भी ग्रेन्स होते हैं उनको ड्राई करने से जो उसमें मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, और मॉइस्चर ख़त्म होने से जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो ग्रो हो सकते हैं वो नहीं होते हैं। आंसर इज ग्रेन इज ड्राइड बिफोर स्टोरेज बिकॉज ग्रेन्स हैव टू बी ड्राई टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिफोर स्टोरेज, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ ना कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सॉयल हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स व्हाई डू वी नीड टू रिप्लेनिश इट। मतलब अगर इसमें न्यूट्रिएंट्स सारे प्रेजेंट होते हैं जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, फिर हमें दोबारा से इसमें क्यों न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करना पड़ता है? इसका आंसर ये है कि हम उसमें जैसे एक ही क्रॉप में, एक ही पर्टिकुलर सॉयल में हम कई सारी उसमें क्रॉप कंटिन्यू ईयर टू ईयर ग्रो कराते रहते हैं, इससे वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, इसलिए हम दोबारा से उसको रिप्लेनिश करते हैं ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स कम ना हो और प्लांट्स को मिलते रहें। आंसर इज व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ फील्ड ईयर आफ्टर ईयर द सॉयल बिकम डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट्स एंड लेस फर्टाइल, सो द सॉयल हैज़ टू बी रिप्लेनिश्ड विद इट्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो सीड एट द करेक्ट डेप्थ एंड डिस्टेंस। क्यों जो है उसकी जो हम सोइंग करते हैं तो उसमें डिस्टेंस एंड डेप्थ एक्यूरेट होनी चाहिए। आंसर इज सीड मस्ट बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉयल इट इफ दे आर सो टू डीप दे नॉट मे ग्रो ड्यू टू द लैक ऑफ एयर एंड if they are sown too close to the surface birds can eat them। yani simple si baat hai, agar usko bahut zyada deep karte hain to bahut zyada deep karne se usko air acche se provide nahi ho payegi, aur agar hum bahut upar rakhte hain to usme koi bhi jo jaise insect ya bird ya koi bhi usko eat kar sakta hai। next is why is the drip system of irrigation is excellent for area like Rajasthan। पूछा कि ड्रिप इरीगेशन सिस्टम क्यों जो है अच्छा होता है जैसे कि जहाँ पे वाटर की कमी होती है जैसे राजस्थान। दिस मेथड इज एक्सेलेंट फॉर रीजन विद लो वाटर एबिलिटी लाइक राजस्थान। इन दिस मेथड देर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर। सिंपल सी है, जब आपने देखा था ड्रिप इरीगेशन तो उसमें वाटर का वेस्टेज सबसे कम होता है, इसलिए बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाई नाइट्रोजन फिक्सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या मतलब होता है उसका? ओके, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोसफियर इंटू नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन फिक्सेसर्स इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन कन्वर्टेड इंटू नाइट्रोजन कंपाउंड। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसर्स। वाट आर वीड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं आपको। अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू क्रॉप प्रोडक्शन। पहला स्टेप कौन सा होता है ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखते हैं आंसर क्या है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल इज द
प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल, आई थिंक दो बार यहाँ पे राइट हो गया, कोई बात नहीं. द प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू बी टर्न द सॉयल एंड लूजन इट. दिस अलाउड द रूट टू प्रिवेंट डीप इन टू द सॉयल. एंड क्वेश्चन नंबर 8, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन वाट वुड हैपन, डिस्कस. यानी वीट को अगर हम खरीफ सीजन में, यानी जो रेनी सीजन होता है उसमें अगर हम ग्रो करते हैं तो क्या ग्रो करेगा? चलिए, क्यों ग्रो करेगा, ग्रो नहीं करेगा. रीज़न इसका होता है, कोई भी पर्टिकुलर प्लांट होता है उसके लिए पर्टिकुलर सीजन होता है, क्लाइमेट होता है, जो डे लाइट होती है यानी दिन में कितनी देर उसको सनलाइट की ज़रूरत है ये भी डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. लिखा हुआ है आंसर इज वीट इज अ रबी क्रॉप, हेंस इट रिक्वायर्ड कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन टू बी ग्रोन प्रॉपरली. इफ इट इज सोन इन द खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो और मे गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द खरीफ. आई थिंक ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा है, आपको पता होना चाहिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्लाइमेट अलग अलग होता है और हर जगह पे जो क्रॉप के लिए कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग रिक्वायर्ड होती हैं. कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनको लाइट कम चाहिए होता है, वाटर कम चाहिए होता है या टेम्परेचर कम चाहिए होता है. कुछ होती हैं जिनको लाइट भी ज़्यादा चाहिए होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होता है और वाटर भी ज़्यादा चाहिए होता है. तो ये डिपेंड करता है सीजन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी कंट्रोल वीड्स इन क्रॉप. ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. देर आर मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ्स. वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय द अपरूटिंग और कटिंग देम. यानी हम उनको अपरूट या जड़ से उखाड़ सकते हैं या कट कर सकते हैं टू क्लोज द ग्राउंड फॉर टाइम टू टाइम. एक ये मेथड हुआ, सेकेंड होता है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड कुछ हम उसमें जो केमिकल्स होते हैं मार्केट में वीडिसाइड्स उनको भी डाल सकते हैं. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 4D 2,4-D. दीज आर द स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स. एंड लास्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का, एक्सप्लेन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड्स केमिकल्स होते हैं वो प्लांट जो जो भी उनमें मतलब इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए तो उनको किल करता है, लेकिन ये एज ए पॉइजन होता है. अगर ये किसी भी फ्लावर फ्रूट में पहुंचता है तो वो नुकसानदायक होता है एंड ये फर्टिलिटी भी कम करता है. तो इसका आंसर देखते हैं, द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज़ मेड अप द सॉयल लेस फर्टाइल. दे हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन. दे डू नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग सॉयल फर्टिलिटी. एंड नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लॉन्ग आंसर. लॉन्ग आंसर फर्स्ट क्या दिया, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ स्टोरिंग फूड आइटम्स. यानी फूड आइटम को स्टोर करने के हमारे मेन फंक्शन मेन पर्पस क्या होता है, जो कि आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना का जो यानी COVID-19 का जो भी प्रकोप है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो लोग क्वारंटीन है, सॉरी मतलब लॉकडाउन है घर पे. तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार उन्हें अवेलेबल करा रही है, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है. देखते हैं कौन कौन से टॉपिक दिए हुए. फर्स्ट इज स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड एंड प्रोसीड्स प्लांट एंड एनिमल फॉर सॉरी एनिमल फूड प्रोडक्शन इंसर्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर्स. सेकेंड, इट एनेबल अ बेटर बैलेंस्ड डाइट थ्रू आउट द ईयर. प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स इज आल्सो इंश्योर्ड. स्टोरेज इज डन इन मैनी वेज लाइक कोल्ड स्टोरेज एंड ड्राई स्टोरेज. स्टोरेज इज आल्सो डन फॉर फाइटिंग एमरजेंसी कंडीशन, जो कि मैंने आपको बताया. यानी स्टोर रहता है गवर्नमेंट के पास या हम लोग लोकल अपने घरों में भी स्टोर करते हैं ताकि ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जिसमें हम उसको यूज कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एडवांटेज ऑफ मैनोर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द एडवांटेज ऑफ मैनोर्स आर इट इनरिच द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल. यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये बढ़ाता है. इट मेक्स सॉयल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस विकम इजी.
सॉयल को ये पोरस करता है एंड इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉयल, और सॉयल का जो टेक्सचर होता है उसको भी इम्प्रूव करता है जो मैन्योर होता है. नेक्स्ट, इट डज नॉट क्रिएट एनी पॉल्यूशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये कोई भी पॉल्यूशन या कोई हार्म नहीं पहुँचाता है. इट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इसमें लगभग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं. लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. वेरी इंपॉर्टेंट. मैन्योर बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, बट आप इसको लॉन्ग में भी ले सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए है. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फर्स्ट पॉइंट इज मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस एंड फर्टिलाइजर इज मैन मेड. इट इज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक. इट एड्स ह्यूमस टू द सॉयल, इट डज नॉट एड ह्यूमस टू द सॉयल. फिफ्थ इज इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, यानी बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे स्पेशल की नहीं, नाइट्रोजन बेस्ड है या फास्फोरस बेस्ड है, ऐसे मैन्योर्स नहीं होते बट फर्टिलाइजर्स होते हैं. इट इज़ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. फिफ्थ इज इट इज़ चीप, जो मैन्योर होते हैं बहुत चीप होते हैं एंड फर्टिलाइजर इट इज़ कॉस्टली. लास्ट, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. तो ये आपके डिफरेंट हो गए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो हमने वर्कशीट कुछ आपके लिए दी हुई है. वर्कशीट में कुछ आपके MCQs हैं, इनका आपका आंसर बहुत ही सिंपल है. पढ़ेंगे तो चैप्टर पढ़ने के बाद ये आंसर आप आसानी से दे सकते हैं. ये कुछ MCQs दिए हुए हैं, MCQs आपको सारे इसके आंसर देने हैं. एंड MCQs के बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ आपको फिलअप्स दिए हुए हैं, ये भी आपको फिल करना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप पढ़ के इनको कर सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वन वर्ड आंसर, इसमें आप आंसर लिख सकते हैं वन वर्ड में. ओके नेक्स्ट, ओके थ्री ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको करना है जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और ये चैप्टर आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा. ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर वीडियो जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए आप ये आप लोग ज़रूर इसका वर्क करें और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर दें. थैंक यू सो मच.